भारतीय संविधान के रचयिता बी.आर. अंबेडकर की बात करें, मुख्यमंत्री ज्योति बसु की बात करें, के.आर. नारायणन की बात करें, या फिर भारत को रिप्रेजेंट करने वाले मेनन की बात करें, ये कुछ ऐसे भारत के बहुचर्चित चेहरे थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और भारत में नाम रोशन किया। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन ग्रेटर वैली स्कूल का अधिराज नायर अब उस लिस्ट में बहुत जल्दी शामिल होने वाला है, क्योंकि ग्रेटर वैली स्कूल का अधिराज जो है अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए उसका चयन हो चुका है बीएससी डाटा साइंस के लिए। इस वक्त न्यूज 24 के साथ अधिराज मौजूद है। सबसे पहले अधिराज, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच अधिराज। सबसे पहले, अब आप एक रोल मॉडल हो बहुत से बच्चों के लिए, तो अगर मैं जानना चाहूँ कि आपका शेड्यूल क्या रहा है पढ़ाई का, किस तरीके से आपने पढ़ाई की कि आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हो? देखिए, रोल मॉडल अभी तो मैं नहीं हूँ, अभी बहुत लॉन्ग जर्नी है कि कभी आप कह सको। ये भी एक खूबी है, रोल मॉडल हो, ये वन स्मॉल स्टेप अलॉन्ग द वे है, वन स्मॉल स्टेप माइलस्टोन है। स्केड्यूल मेरा ऐसा रहा था कि सेवन्थ क्लास से मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने उसको और डेवलप करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे करे, चाहे वो दुनिया की अनेक यूनिवर्सिटी हों, MIT हो, हार्वर्ड हो, इन सब के ऑनलाइन कोर्सेज करे। फिर उसमें मेरा और डेवलप हुआ इंटरेस्ट, एंड देन उसके बाद मेरा 9th क्लास में एक पैरेलली एक इकोनॉमिक्स में और सोशल साइंस एज अ होल में इंटरेस्ट और डेवलप करना शुरू किया। तो 2-3 साल तक मैं दोनों चीज़ें अलग से पढ़ता रहा कि दोनों इंटरेस्टिंग है, पढ़ते रहते हैं फिर, एंड देन और इसमें काम करते रहते हैं। फिर बाद में 11th-12th मुझे लगा कि इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में आप कंबाइन कैसे कर सकते हो, तो इसलिए मेरा ये इंटरेस्ट डेटा साइंस में शुरू हुआ। और LSE में डेटा साइंस का वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रीजंस ये है कि उनका सोशल साइंस बैकग्राउंड है, तो उनका कोर्स में फोकस ज़्यादा है कि आप कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और स्टेटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में मेनली आप कैसे ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो, कैसे उनमें आप इनसे रीजनिंग निकाल सकते हो, विच कैन बी यूजफुल फॉर बोथ फॉर सोशल गुड एंड इंडस्ट्री। कक्षा 1 से 12 तक अधिराज ने ग्रेटर वैली स्कूल से ही पढ़ाई की है। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल के रोल को आप कितना इम्पॉर्टेंट मानते हैं? जी, स्कूल का रोल ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने 12-13 साल इस स्कूल में बिठाए हैं, तो ऑब्वियसली मेरा कंप्लीट कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर गोल डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट सिर्फ यहीं पर हुआ है। देन स्कूल से बहुत सारे फैक्टर्स थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। एक तो था कि टीचर्स ऑब्वियसली यू नो कि आपको सब्जेक्ट्स के इंट्रोड्यूस करते हैं आपको, और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कि आप इनमें और डाइव डीप कर सकें इन कोर्सेज में। देन ग्रेटर वैली का एक है कि न्यूज़ 24 की बैकिंग की वजह से आपको बहुत रेयर टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं जो कुछ बहुत ही कम स्कूल्स में मिल सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दूँ आपको, सेकेंड क्लास में मुझे और कुछ मेरे दोस्तों को न्यूज़ 24 के ऑफिस में लेके गए थे, स्टूडियो में लेके गए थे कि एक इन्फोमर्शल शूट करने के लिए। तो वहाँ से एक यू नो पब्लिक स्पीकिंग और यू नो स्पोकन एंड कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ कि दैट इज़ ऑब्वियसली सुपर एसेंशियल, आप कोई भी कैरियर पाथ करें, कोई भी चीज़ करें। तो वो वन ऑफ दोज रेयर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ऐसे ही मुझे और स्कूल में अपॉर्चुनिटी देते रहे स्पीकिंग में, जैसे कि एनुअल डे में, चाहे वो 2000 लोग हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट चीफ गेस्ट हैं उनके सामने बोलने की। और मैंने सुना आपको टेबल टेनिस भी बहुत पसंद है, यानी कि जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में जिसका चयन हुआ, ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। टेबल टेनिस में भी आप बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक्स्ट्रा करिकुलर छोड़ के पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ गया? मैं एज अ होल रैकेट स्पोर्ट्स में बहुत खेलता रहता हूँ, कि टेनिस हो, चाहे स्कॉश हो या टेबल टेनिस हो। एक्स्ट्रा करिकुलर में मेरा हमेशा से था कि दिस इज़ जस्ट अ वे टू स्टे फिट, दिस इज़ जस्ट अ वे टू यू नो रिलैक्स एंड देन बिल्ड अप योर पर्सनल स्किल्स एंड बिल्ड अप रेजिलियंस एंड स्टफ लाइक दैट। बट हमेशा से कभी ये नहीं था कि स्पोर्ट्समैन बनना है या कुछ बनना है, बट ये था कि आई एंजॉय प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो खेलते रहे। अच्छा, आपका इंस्पिरेशन कौन है और पेरेंट्स के रोल को आप कैसे देखते हो? मेरे लाइक इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं लुकअप करता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्य करते हैं, इनसे मुझे सीखना है और करना है। तो उनमें से एक जैसे हैं प्रोफेसर केन बेनुआ, जो LSE में ही हैं, जो
उनकी रिसर्च उसी टॉपिक पे है जिसमें मैं बहुत रुचि रखता हूँ और उसी टॉपिक में मैं आगे काम करना चाहूँगा। तो उनकी पॉलिटिकल स्टडीज़ की रिसर्च में दोनों स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस को कैसे यूज़ करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। तो और भी बहुत सारे रोल मॉडल रहे हैं, चाहे वो पहले कभी डिज़ाइन रोल मॉडल होते थे, बट हर किसी से अलग अलग चीज़ें सीखूँ। और पेरेंट्स का रोल ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें बहुत सही चीज़ें सिखाते हैं, आइडियाज़ से एक्सपोज कराते हैं, बहुत सही आपको मोस्ट इंटरेक्शन उनके साथ होता है, तो देन आपका जो भी डेवलपमेंट होता है कम्प्लीटली दे फॉस्टर इट एंड देन हेल्प यू ग्रो। अच्छा अधिराज, जब हम आजकल 9वीं 10वीं में प्रवेश करते हैं तो ज़्यादातर छात्र जो हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं वो कोचिंग की तरफ भागते हैं, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को खोजते हैं जो उन्हें एक सही राह दिखा सके। लेकिन जब मैंने आपके बारे में जाना तो मैंने ये समझा कि आपने थ्रू आउट सेल्फ स्टडी की है। जी जी, ये है कि मेरा हमेशा मानना रहा है कि कोचिंग, अगर आपको पता है कि आप कोचिंग से क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं, आप करिए। बट मुझे जो भी गोल्स थे मेरे पर्सनली, वो मुझे उसके कोचिंग से उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने स्कूल में ही पढ़ा, जो भी स्कूल करिकुलम था मैंने स्कूल में ही पढ़ा। उसके अलावा जितने फॉरेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, SAT हो गया, TOEFL हो गया, इन सब के लिए तो ऑनलाइन रिसोर्सेज, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज होते हैं जिनका आप यूज़ करके आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आजकल बच्चे जो हैं वो इतना गेमिंग और डिजिटल पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं, आपने कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, कुछ ऐसी कोई शरारतें नहीं की? शरारतें इन द सेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं करी, बट लाइक ऑब्वियसली कंप्यूटर पर जो टाइम सभी स्पेंड करते हैं अब तो। आपको क्या कहते थे स्कूल में? शशि थरूर कहते थे। शशि थरूर, वो एक लाइक हमारा कोई पार्लियामेंट्री, एक मॉक पार्लियामेंट्री सेशन था, उसमें मैंने कुछ बोला होगा तो इसलिए वो नाम चल गया। इकोनॉमिक्स के बाद आपने यूथ पार्लियामेंट में भी पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, मुझे लगता है कि पब्लिक पॉलिसी और पार्लियामेंट में भी इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनका आजकल बहुत रोल प्ले हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में इनका रोल प्ले होता है, तो जो जो अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छे लगे मैं करता गया। अच्छा, अब अंतिम सवाल कि अब अधिराज का क्या लक्ष्य है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद क्या? उसके बाद मेरा लक्ष्य है कि उसके बाद मेरा लक्ष्य कंटिन्यू टू डेवलप होता रहेगा। उसके बाद मेरा अभी ये लक्ष्य है कि मैं अपने देश वापस आना चाहता हूँ, मैं इंडिया में काम करना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली लगता है कि इससे बेटर देश नहीं है, ऑब्वियसली चाहे वो बायस है क्या है, बट तो मैं इंडिया में आके आई लव टू वर्क, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, इंडस्ट्री में हो, आई डोंट नो येट, बट आई विल फिगर आउट एज आई गो अलॉन्ग द वे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अधिराज पूरी तरीके से अपने नाम को सार्थक करते नज़र आ रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे कोई संदेह नहीं है कि अधिराज को हम किसी बहुचर्चित प्लेटफॉर्म पे देखने वाले हैं, और ये भारत का नाम रोशन ज़रूर करेंगे। न्यूज़ 24 की पूरी टीम की तरफ से अधिराज नायर को बहुत बहुत बधाई। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।